हाँ मेरे भाई, आपका प्रीसेट का झंझट अब ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना मेरे भाई। जो भी आपका डाउट होता है मेरे भाई, प्रीसेट वर्क नहीं करता है अच्छे तरीके से, आपका प्रीसेट काम नहीं करता है, लेकिन मेरे भाई इस वीडियो को आप फुल वॉच कर लेते हैं तो आपका प्रीसेट 100% वर्क करेगा और 100% काम करेगा मेरे भाई। कोई सा भी प्रीसेट हो मेरे भाई, एकदम 100% काम करेगा। जो भी प्रीसेट आप काम कराओगे ना, वो प्रीसेट आपका काम करेगा। तो मेरे भाई वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजफुल है मेरे भाई। तो यार चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलिए मेरे भाई, बिना किसी बकवास के इस वीडियो को हम इसे स्टार्ट करेंगे। बट मेरे भाई, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरे भाई बहुत सारे भाई लोग को देखा हूँ कि बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा है, जब भी भाई कॉपी कर रहे हैं एंड पेस्ट कर रहे हैं तो नहीं हो रहा है, और डाउनलोड कर रहे हैं तो बहुत ही मतलब बेकार, अच्छे से डाउनलोड भी नहीं हो रहा है मेरे भाई। ये सारा जो भी डाउट होगा मेरे भाई, सब कुछ इस वीडियो में सॉल्व कर दिया हूँ मेरे भाई। बस आप लोग को क्या करना है ना, वीडियो को बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को पूरा फुल वॉच कर लेना है, तभी मेरे भाई आप भी 100%, आपका भी जो प्रॉब्लम होता है वो 100% सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए मेरे भाई क्या करते हैं, इस वीडियो को इसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना होगा आपको मेरे भाई, तो ऐसे बीच में से काट देना है, तो दो स्टेप में मैं बताऊंगा मेरे भाई। तो सबसे फर्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, तो आप प्ले स्टोर को एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, मैं बता रहा हूँ मेरे भाई। सबसे पहले आपको अपना प्ले स्टोर ऑन करना है। हाँ, यहाँ पर मेरा प्ले स्टोर आ गया, और यहाँ पर आपको सर्च करना है लाइटरूम, ठीक है ना। लाइटरूम यहाँ पर मेरे भाई सर्च करना है आपको, और यहाँ पर देखिएगा ना, तो आपका एक अपडेट आया होगा, ठीक है ना, अपडेट। इसको फाइनली क्या करना है मेरे भाई, आपको अपडेट कर लेना है। ओके, तो चलिए मेरे भाई मैं इसको अपडेट कर लेता हूँ। अपडेट हो जाने के बाद मेरे भाई आप अपडेट कर लीजिएगा, जैसे कि मान लीजिए मैं अपडेट कर लिया हूँ मेरे भाई। अपडेट हो जाने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ से ओपन करना है आपको। सबसे पहले क्या करना है, कोई भी एक ओरिजिनल फ़ोटो सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आप एडिट करना चाहते हैं। तो चलिए मैं फटाफट से क्या करते हैं, ओरिजिनल फ़ोटो सेलेक्ट कर लेते हैं। मान लीजिए ये वाला फ़ोटो हो गया हमारा, इसको ले लिए, इसको इंपोर्ट कर दिया लाइटरूम एप्लीकेशन में। ओके, तो लाइटरूम एप्लीकेशन में इसको इंपोर्ट हम कर दिए हैं। यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, क्योंकि यहाँ पर आपको समझने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। हमारा ओरिजिनल फ़ोटो, कभी भी हम प्रीसेट काम करने से पहले मेरे भाई ओरिजिनल फ़ोटो को डालते हैं, ठीक है ना। डालने के बाद मेरे भाई अब आपको क्या करना है, लाइटरूम एप्लीकेशन को ओपन करना है। देख लीजिए यहाँ पे लाइटरूम एप्लीकेशन को ओपन कीजिएगा, और यहाँ ऑल फ़ोटो के ऊपर क्लिक कीजिएगा। ऑल फ़ोटो के ऊपर क्लिक करने के बाद मेरे भाई, मैं इस वाला प्रीसेट का लिंक दे दूँगा मेरे भाई। ये एक प्रीसेट है, ओके, ये एक प्रीसेट है, ठीक है ना। आप लोग देख लीजिए, ये एक प्रीसेट है। तो इसको इंपोर्ट कैसे करना है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, हमारे डिस्क्रिप्शन में से प्रीसेट लिंक लिखा होगा, उसको डाउनलोड कर लेने के बाद मेरे भाई अब आपको क्या करना है, सॉरी, इसको आपको क्या करना है, तो लाइटरूम एप्लीकेशन में तो इंपोर्ट कर देना है। ओके, लाइटरूम एप्लीकेशन में इंपोर्ट कर देने के बाद मेरे भाई अब आपको क्या करना है, यहाँ लाइटरूम एप्लीकेशन को ओपन करना है। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, क्योंकि यहाँ पर आपको समझने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है ना। और यहाँ पर आपका क्या होता है, तो प्रीसेट आप जब भी यहाँ से आप मेरे भाई क्या करते हैं, हाँ, तो यहाँ पर जब भी आप यहाँ से कॉपी करते हैं, और कॉपी करके मेरे भाई यहाँ पर जैसे ही आप यहाँ पर देखिए पेस्ट करते हैं मेरे भाई, तो आपका काम नहीं करता है, ठीक है ना। यहाँ पर आप जब पेस्ट करते हैं तो आपका काम नहीं करता है, तो मेरे भाई गलती आपकी है, आप गलत एंगल से कॉपी कर देते हैं। आपको क्या करना है मेरे भाई, मेरा तरीका आप अपनाइए, सबसे अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर क्या करना है मेरे भाई, अगर उस तरह आपका प्रीसेट वर्क नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर देखिए, तो एक प्रीसेट का नीचे का साइड देखिए ऑप्शन होगा, तो इसको आपको छेड़छाड़ नहीं करना है, आपको यहाँ पर देखना है 3 डॉट का ऑप्शन। ओके, 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पर देखिए आपको एक आ जाएगा क्रिएट प्रीसेट, और प्रीसेट सेटिंग आ जाएगा, और स्टार्ट शेडो ऐसे करके आ जाएगा। तो उसको आपको छेड़छाड़ नहीं करना है मेरे भाई, प्रीसेट सेटिंग को क्लिक करना है। क्लिक कर देने के बाद मेरे भाई फिर से 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना है, और अब की बार क्या करना है, क्रिएट प्रीसेट करना है। तो क्रिएट प्रीसेट जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आपको जैसे कि आप जो भी नाम अच्छा लगता है आपको, तो जैसे मेरा PA, मैंने PA सेलेक्ट किया, और ऐसे देख लीजिए कुछ बैक आ गया, ये हमारा प्रीसेट नहीं बन पाया, समझ गए।
इस तरह हो जाता है, अगर आपका प्रॉब्लम आता है और प्रीसेट नहीं बन पाता है तो अब आपको क्या करना है मेरे भाई, अब बारी आती है प्रीसेट को वर्क कराने की। तो यहाँ पर जो मेरा प्रीसेट होगा मेरे भाई 100% वर्क करेगा, देख लीजिएगा एक बार, आपको इस तरह बिफोर एंड आफ्टर देख लीजिएगा कलर में डिफॉल्ट लगता होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करना है, अब प्रॉब्लम का सॉल्व होने वाला है मेरे भाई, अब देखते रहिए। और यहाँ कॉपी सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ सिर्फ क्रॉप वाला ऑप्शन छोड़ के बाकी जितना होगा ना मेरे भाई इसको टिक लगा देना है और बैक आना है और अपना ओरिजिनल फ़ोटो को सिलेक्ट करना है। और सिलेक्ट करके मेरे भाई फिर से यहाँ थ्री डॉट के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करने के बाद मेरे भाई यहाँ पर आप जैसे ही पेस्ट करते हैं तो देखिए हमारा वन क्लिक में कुछ फ़ोटो इस तरीके से बन जाएगा। तो मेरे भाई उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं न्यू एक फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।